एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन स्मगलिंग की रोकथाम का प्रोग्राम नबीदुर्रहमान बगोई को डिप्टी कलेक्टर किस्म का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, कस्टम के हवाले से क्या हम खबर आ रही है? गुज़िश्ता रोज़ कस्टम प्रिवेंटिव ने लाहौर एयरपोर्ट फैजाबाद चदर की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें लाहौर न्यूज़ ने ये इशू उठाया था कि इमलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो बैरून मुल्क के लोग आते हैं ना सिर्फ मोबाइल स्मगलिंग में मुलविस हैं बल्कि उनके साथ जो इन्होंने एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया पीटीए का उसमें भी बहुत सारी जो रजिस्ट्रेशन की करवाई जाती है आई एम ई नंबर की मोबाइल की उसमें मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से कलेक्टर फैज अहमद चदर की जानिब से फौरी तौर पर आज जो डीसी कस्टम जो लाहौर एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता एक साल कबल भी तैनात थे उनको इजाफी चार्ज दे के एक माह का तैनात कर दिया गया और उनको हदायत जारी की गई है कि डीसी जो पहले ऑलरेडी तैनात हैं इतरत हुसैन उसके साथ मिलकर ये मोबाइल स्मगलिंग को रोकेंगे जबकि दीगर जो मुश्किलात हैं मुसाफरों की पीटीए के सर्टिफिकेट के हवाले से जो मुश्किलात का सामना था और जिन मोबाइल फोन का आईएमई नंबर फीड करने के हवाले से मुसाफरों को मुश्किलात का सामना था उसका भी फौरी अजाला करेंगे। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और आज उन्होंने 4 बजे अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे।